पापा, क्या बात है? आप जब से हॉस्पिटल से आए परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ पापा, खैरियत? आप बहुत खामोश हैं। क्या थोड़ी सी तकलीफ महसूस कर रहा हूं। हुआ फैजान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कुछ बेचैनी सी है। आप आहल की वजह से परेशान है ना? शायद जरूर भाभी ने कोई लापरवाही की होगी, वरना ऐसे अचानक से छोटा सा बच्चा बीमार कैसे हो सकता है? पापा कुछ बोले तो सही, क्यों चुप हैं? कुछ नहीं, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूं। देखा मम्मा, ये पता है क्यों चुप है? क्योंकि उन्होंने सारिम को कल रात देख लिया था, खुद नहीं बताएंगे। और आपने देखा था, सारिम भी वहां पे सारी रात थे और भाभी ने हमें बताने तक की कोशिश भी नहीं की। वो तो शान से भाभी की कॉल आई थी। जाहिर है, उन्होंने तो इसीलिए फोन करके बुलाया ना, ताकि उनका खर्चा बच जाए। शान से तो ऐसी नहीं है ना। कुछ कुछ दिया था पापा ने? हाँ, उन्हें जाते भी याद आया था, तो वो जाकर आहिल को दे आए थे। तुम भी तो वहीं थी ना, तुम्हें याद नहीं है? नहीं, पापा तो वहां नहीं आए। क्या फैजान वहां नहीं गए थे? मुझे तो वो यही कह के गए थे कि मैं आहिल के पास जा रहा हूँ।